हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यदि आप 2024 में हिमाचल प्रदेश से डीएलएड कोर्स करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में गाइस हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में डीएलएड कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस है। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है, कौन हिमाचल प्रदेश से डीएलएड कोर्स कर सकता है, यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित किया गया है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो चलिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे गाइस कि हिमाचल प्रदेश में डीएलएड कोर्स का एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में डीएलएड का जो एडमिशन है ना, ये 27 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। तो 2024 में जो है ना, आपका अप्रैल या मई में एडमिशन स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर इस कोर्स में एडमिशन के लिए दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आपने क्लास 12th पास कर रखा है तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए हिमाचल प्रदेश डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। HPBOSC ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहीं पर फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो एग्जाम होता है ना, इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और GK GS जनरल अवेयरनेस के जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है ना, आपको 120 मिनट का टाइम दिया जाता है, 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दोस्तों टोटल 12 गवर्नमेंट डाइट कॉलेज है, ठीक है, जिसमें 900 सीटें हैं और प्राइवेट कॉलेज में 1,550 सीटें हैं। ठीक है, लगभग 2400 के आसपास जो है प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, और 2450 टोटल सीटें हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को मिलाकर। 900 और 1500 कितना हो गया, 2450 के आसपास। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जनरल से हो, अगर आपके क्लास 12th में 50% है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, जैसे SC ST PWD OBC कैटेगरी से, तो अगर आपके क्लास 12th में 50% से कम है, 45% के आसपास है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक ना, अब एंट्रेंस एग्जाम में देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एंट्रेंस एग्जाम में मिनिमम पासिंग नंबर जो रखा गया है ना जनरल के लिए 50%, 100 में से आपको 50 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। ठीक ना, अगर आप दोस्तों ओबीसी SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको इसमें पास होने के लिए जो है इसमें 35 लाना होगा। ठीक ना, और अगर आप दोस्तों 45%